सो वॉट्स अप एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज ये वीडियो इसलिए बन रहा है क्योंकि मैं सबको दिखाने वाला हूँ कि आप सब अपने बाइक का चेन कैसे मेंटेन कर सकते हैं। मेरी बाइक यहाँ खड़ी है और हाँ, मुझे कमेंट में बताना कि इसका जितना मैं मॉडिफिकेशन किया ये वगैरह, सो स्टिकरिंग वगैरह कैसा लग रहा है, तो वो आप सब मुझे कमेंट में बताना। और आज की वीडियो पूरा देखो। हाँ, तो मैं आप सबको सबसे पहले अपना चेन की कंडीशन दिखा देता हूँ। मेरे चेन का हालात कुछ ऐसे है। और इसको खोलना पड़ता है, अगर आपको चेन ल्यूब अच्छे से करना है तो आप ध्यान रखना इसको खोलना, क्योंकि आपका चेन ल्यूब और क्लीन इसमें फंस सकता है। सो चार बोल्ट एक एलन की और बाकी 8 नंबर का बोल्ट है शायद से। और हाँ, मैं आप सबको ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ आप सबके लिए क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा जो चीपेस्ट रेट में आप चेन ल्यूब और चेन क्लीन कर सकते हैं वो दिखाऊँगा। मैं कोई पैडॉक स्टैंड यूज़ नहीं कर रहा हूँ, कोई जी रोलर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं यूज़ कर रहा हूँ। मैं नॉर्मली करूँगा जो आप घर में कर सकते हो, क्योंकि आप अगर एक बार पैडॉक स्टैंड ले लेते हैं तो महीना में एक बार काम आएगा। फिर आपके घर वाला भी, अगर आप टीनेज हो या अपने घर वालों के साथ रहते हो, तो आपके घर वाले डेफिनेटली बोलेंगे क्या यार इतना, यार नहीं बोलेंगे क्या तुम इतने पैसे के, मतलब 2-3 हज़ार के पैडॉक स्टैंड ले लियो और उसका कोई यूज़ नहीं है। तो उसका कोई यूज़ नहीं बनता है, तो गाली सुनने से अच्छा मैं जो दिखा रहा हूँ वो करो। और जी रोलर का मुझे नहीं लगता वो अच्छा चीज़ है, क्योंकि उतना सा रोलर क्या करेगा डूड। और हाँ, तो इसके लिए जो आइटम चाहिए मैं आप सबको बता रहा हूँ। ओके, सो हमें चेन क्लीन करने के लिए सबसे पहला चाहिए चेन क्लीन। ये नॉर्मल केरोसिन ऑयल है और एक नॉर्मल ब्रश। नॉर्मल ब्रश से थोड़ा दिक्कत हो सकता है, और चेन ल्यूब एक कपड़ा। और हाँ, टूल्स तो लगेगा ही आपको बाइक का ये खोलने के लिए। अच्छा है मेरा कैमरे पे नहीं गिरा, तो मैं सिर्फ केरोसिन से किया, इसको डिफरेंस देख लो नहीं साफ हो गया। मैं केरोसिन यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि अधिकतर जो चेन क्लीन रहता है उसमें केरोसिन ही रहता है। और मैंने बाइक का ये खोल दिया जो मैंने साफ किया। चेन का हालात देख सकते हैं आप। हाँ, पर नॉर्मली इसको चेन ऊपर से साफ दिखना इससे मतलब नहीं है। चेन का आपको मेन जो है जो ओरिंग वगैरह है उसे साफ रखना है, ताकि हमारी गाड़ी माइलेज भी दे परफॉर्मेंस भी दे। ओरिंग्स मतलब चेन के ये सब पार्ट्स, ये सब सारे पार्ट्स साफ रखना। इसे साफ होने के बाद आपको एक नॉर्मल कपड़ा लेना है और डिफरेंस देख सकते हैं आप। कैमरा परफेक्ट है। हाँ, चेन क्लीन हो चुका है, पूरी तरह से चेन क्लीन है। और अब आपको कैमरा कहाँ जा रहा है, तो अब आपको 5 मिनट के लिए वेट करना है ताकि केरोसिन जो है वो उड़ जाए, मेरा हाथ गंदा हो गया, उड़ जाए। उसके बाद चेन ल्यूब कर देना है और उसके बाद गाड़ी आपको नॉर्मली बस भगाना नहीं है, कुछ कोई 2-3 किलोमीटर भगाना मत और ठीक हो जाएगा। और हाँ, एक दिक्कत हो सकता है आपके साथ कि आप जब चेन क्लीन कर रहे हो तो आपका टायर अगर ब्लैक नहीं है, मतलब अलॉय अगर ब्लैक नहीं है तो अलॉय गंदा हो सकता है, तो फिर अलॉय आप साफ कर लेना। और एक चीज़, कभी भी चेन ल्यूब या चेन क्लीन गाड़ी स्टार्ट करके मत करना। अगर आप पैडॉक में रख रहे हो या फिर रोलर में रख रहे हो, तो आपका दिमाग में एक आएगा कि हाँ इजी कर लेते हैं पैडॉक में रख के गाड़ी स्टार्ट कर लेते, चेन रोल होते रहेगा।
कभी मत करना, क्यों जो आपका जो स्प्रॉकेट होता है बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता, मत करना। यहाँ वैसे बच्चे खेल रहे हैं। तो बैकग्राउंड में आवाज़ आ रहा होगा, उसको छटाओ। मैं दिखा रहा हूँ कि ये मैं चेन लूप यूज़ कर रहा हूँ, अप्रॉक्स 150 रुपीज़ का पड़ जाएगा। तो ये आपको बाइक के चेन के ऊपर ऊपर लगाना, बहुत कोई चेन के आगे लगाते तो वो नहीं, ऊपर लगाना। हो चुका है, आप थोड़ा सा अपने पॉकेट में भी दे देना। ओके गाइस, तो ये था आज का वीडियो। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। इफ यू गॉट दैट, मेक श्योर टू लाइक बटन चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, पता चल गया कि कैसे आप सबको अपना बाइक का चेन का मेंटेनेंस करना है। काफ़ी इजी है, काफ़ी चीप रेट है, क्योंकि आप सबको कैरोसिन तो नॉर्मल मिल ही जाएगा। और कपड़ा ले लेना, 10 रुपये वाला ब्रश ले लेना। और ये अप्रॉक्स 150 रुपीज़ का आपका पड़ेगा, मेरे को 160 पड़ा है। हाँ तो वही, सो चेन भी सेक्सी हो गया। इसको याद से बंद कर लेना, मेरा रखा हुआ, बंद कर लेता हूँ मैं। हाँ तो आई होप आप सबको समझ आ गया कि गाड़ी का चेन कैसे मेंटेन करना है। सो भाई, होप यू गाइस लाइक द वीडियो, मेक श्योर लाइक बटन चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करूँ, मैं इंस्टाग्राम फॉलो करूँगा, यूजर आई डी तनिश_ कुंडू है। सो भाई, बाय, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।